हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप के बारे में कुछ तथ्यों को बताएंगे। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार युद्ध में हराया भी। उनका जन्म राजस्थान के कुंभनगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 को महाराणा उदय सिंह एवं माता जयवंती बाई कुंवर के घर में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता जयवंती बाई पाली के सोनगरा अखेरराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा में हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए क्रमशः 4 दूतों को भेजा, जलाल खां कोरची, इनको सितंबर 1572 में भेजा, मानसिंह को 1573 में महाराणा प्रताप के दरबार में भेजा, भगवान दास सितंबर अक्टूबर 1573, टोडरमल दिसंबर 1573। 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में 20,000 राजपूतों को साथ लेकर राणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मानसिंह के 85,000 सैनिकों की सेना का सामना किया। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झाला मानसिंह ने अपने प्राण देकर और शक्ति सिंह ने अपना अस्त्र देकर महाराणा प्रताप को बचाया। प्रिय अस्त्र चेतक की भी मृत्यु इसी युद्ध में हुई। यह युद्ध तो केवल एक दिन चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूं ने किया। इस युद्ध को आसफ खान ने प्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में बीदा के झाला मानसिंह ने अपने प्राणों का बलिदान देकर महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा राम शाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलवत्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर क्षत्रियों समेत चिर निद्रा में सो गए। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर टिकते, पर ऐसा नहीं हुआ। यह युद्ध पूरे एक दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि युद्ध आमने सामने से लड़ा गया। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयंकर था कि युद्ध के 300 वर्षों बाद भी वहां तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 को हल्दी घाटी में मिला था।